नमस्कार। बांस की लकड़ी के बारे में तो आपने सुना ही होगा और ये भी सुना होगा कि आजकल उस लकड़ी से तरह तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही व्यक्ति से मिलाऊंगी जो बांस की लकड़ी से तरह तरह की साज सजावट की चीज़ें बनाते हैं और इनकी ये चीज़ें प्रदेश में नहीं देश भर में भी प्रसिद्ध हैं। तो चलिए मिलते हैं। नमस्कार, मैं विजय मेहरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा तहसील छापुर विलेज मकरोटी से बिलोंग करता हूँ। मैम, ये मैंने 1997 से स्टार्ट किया था। जो मेरी वर्कशॉप है ये हिमानी चमंडा के बिल्कुल सामने है, मतलब चमंडा देवी के मंदिर में, और यहाँ पे मैं सन 2013 में आ गया था। इस बार जो है लॉकडाउन के बाद जो है ना, जैसे लोकल फॉर वोकल का जो मोदी जी ने एक नारा दिया, तब उन्होंने जो है लोगों को इसके बारे में, जैसे कि अब ट्रेनिंग वगैरह इस तरह की आई, मतलब जो प्रोग्राम है ये ज़्यादा शुरू कर दिए हैं। जहाँ तक मुझे नॉलेज है 7-8 तरह का बैम्बू पाया जाता है हिमाचल में, और उससे जैसे अलग तरह का बैम्बू, जैसा बैम्बू होगा उससे वैसा ही कार्य किया जाता है। जैसे बैम्बू में कुछ पतला बैम्बू होता है, कुछ मोटा, कुछ अंदर से खाली है, कुछ वैसा है, तो उस हिसाब से हम उसके जो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बैम्बू जो है वो हम एक सीजन टाइम में काट लेते हैं, जैसे पहाड़ी में एक हिमाचल में एक, या कहावत भी है कि ठाण में जो है वो बम्बू काट जाते हैं, एक सीजन टाइम होता है सर्दियों में, तो अलग अलग एरिए के हिसाब से। बट मैं जो अपने इसमें यूज करता हूँ ज़्यादातर वो मगर बांस यूज करता हूँ, क्योंकि हमारा जो काम है वो स्टिक से और ब्रिक काम है, तो मगर में ऐसा है कि उसमें जो है वो क्वान्टिटी ज़्यादा निकल जाती है। ये बड़ा बांस होता है और मोटा भी काफ़ी होता है और लंबा भी काफ़ी होता है। बांस के प्रोडक्ट की बात की जाए मैम, तो इसमें हम 50 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक के प्रोडक्ट बनाते हैं। 50 रुपये, 100 रुपये, 150, इस रेंज के जो आइटम हैं उसमें आ जाते हैं। हमारे पेन स्टैंड हो गए, फ्लावर बेस हो गए, कुछ हल्की टाइप के जो लैंप शेड होते हैं वो हो गए, और इसके बाद आ जाता है हमारा मेन, जैसे मोमेंटोज बनाने का, जैसे किसी घर का, बिल्डिंग का या रिपब्लिक का बनानी है, मतलब किसी को पेंट करना है कुछ, जैसे कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, इसमें बांस में जैसे हमने ये एक बोतल तैयार की है जिसको हम ठंडे पानी के लिए यूज़ कर सकते हैं, या और भी कोई लिक्विड पे जो है वो रखना है तो उसको रख सकते हैं। इसके साथ ही ये छोटा सा गिलास हो जाएगा और ये इसमें आपकी बोतल का काम करेगा। इसमें ये जो है मैम, हमने एक डिजरीडू बनाया हुआ है, जो मतलब एक सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट है जो बजता है, और ये जो बनाया गया है, ये बनाया हमने जो हमारे इधर बड़े साइज का एलोवेरा टाइप का पौधा होता है, जिसको जिसका मैं नाम नहीं जानता हूँ, उसके बीच में ये डंठल निकलता है और उसको जो अब अंदर से ग्रो कर खोद के इसको बनाया है। और इसके अलावा हमने इसमें कुछ स्टोन का काम किया है, जैसे हमारी जो नदियां हैं यहाँ पे अलग अलग, जैसे बंडेर खड है, इसके जो पत्थर हैं उनका कलर जो है वो अलग है, चंबी आ गई, बाहे गज खड आ गई जो हमारे आसपास हैं, तो इन सब नदियों में जो है वो अलग अलग तरह के पत्थर हैं, और उसके ऊपर भी हमने काम किया और लोग उसको काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। और इसके अलावा कुछ जो हमारे नदियों में बह के आ जाते हैं लकड़ी के पीस, और जो मतलब प्रकृति तौर से उनमें अलग अलग से रूप बने होते हैं, तो उनको थोड़ा सा हम तराश के जो है वो उसको एक अलग सा रूप देते हैं ड्रिफ्ट वुड में। और एक ये हमने इसमें फ्लावर बेस बनाए हैं जो हम दीवार पे हैंग कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल इसमें हमने वो रस्सी नहीं डाली हुई है, बट इसमें जो फूल लगा के हम उसको दीवार पर हैंग कर सकते हैं, और इसकी भी लोगों का काफ़ी डिमांड आ रही है हमारे पास। उसके अलावा देखा जाए मैम, तो एक देखो, एक में हमने एक बनाया मैगजीन होल्डर, इसको अगर हमारे अखबार रद्दी जो भी है पेपर है उसको हम दीवार पे भी टांग के इसमें होल्ड कर सकते हैं, और अगर वैसे टेबल पे रख के भी ऐसे ये यूज हो जाएगा। बाकी मेन हम, मैं अपने काम की बात करूँ तो मुझे जो है वो, जैसे गवर्नमेंट की आज एक योजना है कि अब जो भी यहाँ पे चीफ गेस्ट आता है कोई किसी प्रोग्राम में, तो उसको जो वो एक गिफ्ट के तौर में सम्मानित किया जाता है, तो वो हिमाचल में ही जो बनी हुई हैंडमेड आइटम हो उससे मतलब दिया जाए,
तो सब कहीं ऐसे कहीं कोई शॉल कंबल दे रहा है, कहीं कांगड़ा पेंटिंग चल रहा है, कहीं हमारा मेटल का चल रहा है, कहीं मिट्टी का है। इस तरह हमारा भी बैम्बू का भी है, इसमें भी कुछ लोगों को हम मतलब कुछ विभागों को हम अपने प्रोडक्ट दे रहे हैं।